हेलो दोस्त, आप सबका स्वागत है आपके ही यूट्यूब चैनल पे। गाइस, आज मैं आपके लिए कुछ ऐसे पांच स्टॉक लेकर आ रहा हूँ जो स्टॉक आने वाले समय में आपको काफ़ी बढ़िया रिटर्न दे सकता है। आने वाले समय में मीन्स ये सारे स्टॉक आपको आने वाले 15 से 20 दिन के भीतर, 15 से 25 दिन के भीतर आपको मिनिमम 5 से 10% तक रिटर्न दे सकता है। और ये अगर आप मेरी थंबनेल देख रहे होंगे यूट्यूब की, तो ये थंबनेल ऐसी है, गेट फ्री फ्रॉम जुलाई मंथ इलेक्ट्रिसिटी फोन इंटरनेट एंड गैस बिल। ये ऐसा मैंने क्यों लिखा है गाइस, इसके पीछे लिखने का एक मकसद ऐसा है कि अगर हम को ये सारे बिल अगर देना है तो एक नॉर्मल एवरेज आदमी के घर कितना इस सब का टोटल मिल के बिल आता है, तो टोटल 3 से 4000 के करीब ये सारे बिल, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी फोन इंटरनेट एंड गैस बिल मिल के 3 से 4000 के करीब ये सारे बिल्स हमें मंथली पे करना पड़ता है। तो अगर आपको ये 3 से 4000 आपको लगता है कि आपके ये करंट इनकम से ना जाए और इन्वेस्टमेंट से जो मेरा अर्निंग हो उससे जाए, तो क्या करना पड़ेगा? तो आज जो मैंने स्टॉक दिए है ये पांच स्टॉक है, ये जो स्टॉक में आपको मिनिमम 5000 इन्वेस्ट करना है। 25000 इन्वेस्ट करने के बाद आपको इसी स्टॉक के, पांचों स्टॉक के भीतर आपको 10 से 15% तक, जैसे कि ऑलमोस्ट आपको 2500 से 4000 के भीतर आपको ये सारे इसमें रिटर्न्स मिल सकता है। और मुझे लगता है ये सारे स्टॉक आपको अच्छे से रिटर्न देंगे। और इस सारे स्टॉक में, अपने पांचों स्टॉक में मैं भी इन्वेस्टमेंट करने वाला हूँ और मैं भी सेम स्टॉक के ऊपर वीडियो एक बार फिर से बनाऊँगा और आपको बताऊँगा कि वन मंथ पहले मैंने भी 25000 डाले थे और हाउ मच आई गेट रिटर्न्स। और आई एम श्योर कि आपको अच्छे रिटर्न्स इस पांचों स्टॉक से मिलेंगे। तो गाइस चलो चालू करते हैं, पांच स्टॉक ये कौन से हैं। तो हमारा सबसे पहला जो स्टॉक है वो है महानगर गैस। महानगर गैस में अगर आप देख रहे होंगे तो यहाँ पे अच्छा ये ब्रेकआउट दिया है, और इसे मैं जो बोलता हूँ गाइस, इसे मैं हमेशा बोलता हूँ कि ये ब्रेकआउट है ये पूरी नेकलाइन इसकी उसने ब्रेक कर दी है। और यहाँ पे देख रही है, यहाँ पे इसने ये राउंडिंग बॉटम फॉर्म किया है, कंटिन्यूशन राउंडिंग बॉटम फॉर्म किया है और यहाँ पे 1226 पे ब्रेकआउट दिया है। तो आने वाला इसका नेक्स्ट जो गाइस टारगेट होगा, नेक्स्ट टारगेट होगा इसका 1257 पहला टारगेट, और दूसरा टारगेट होगा 1311। तो मुझे लगता है आने वाले 15 से 20 दिन में ये स्टॉक यहाँ से यहाँ तक जा सकता है, जो टारगेट है मेरा 1311, ये मेरा इसका टारगेट है। और 15 से 20 दिन इसकी, मुझे लगता है 15 से 20 दिन में ये सारा टारगेट यहाँ पे अचीव हो जाएगा। तो गाइज नेक्स्ट स्टॉक, चलो नेक्स्ट स्टॉक देखते हैं हम कौन सा है नेक्स्ट स्टॉक। तो नेक्स्ट स्टॉक है मेरा टेक सॉल्यूशन, ये मिड कैप इंडस्ट्री है। और मिड कैप इंडस्ट्रीज में ये जो टेक सॉल्यूशन कंपनी है, आईटी कंपनी है, इसका जो मुझे लगता है गाइस, इसका जो आने वाले समय में इसका जो रिटर्न्स है ये भी 10 से 15% हो सकता है। अभी ये करंट रेट इसका चल रहा है 69 रुपीज़ इसका करंट रेट चल रहा है। और मुझे लगता है ये स्टॉक आने वाले समय में आपको 82 तक रिटर्न्स दे सकता है। इट इज़ मोर देन 15% से ज़्यादा रिटर्न दे सकता है। और आप इस स्टॉक में तो ज़्यादा क्वान्टिटी भी खरीद सकते हो, तो क्योंकि स्टॉक का रेट कम है। और मैं जब बोलूँगा पांच स्टॉक मैंने जो दिए, पांचों स्टॉक में आपको सिमिलर अमाउंट डालना है, 5000 5000 5000, क्वांटिटी कितनी भी आए 5000 5000 5000 डालना है। और अगले मंथ के जो भी सारे इलेक्ट्रिसिटी बिल, फ़ोन बिल, आपके यूटिलिटीज़ बिल होंगे, ये सारे यहाँ से निकल आएंगे। तो सेम कैपिटल से आप हर मंथ अपने घर के ये सारे यूटिलिटी बिल निकाल सकते हो। आपको क्या करना है, सिर्फ आपको करना है कि मेरा ये चैनल सब्सक्राइब करना है, इसको लाइक करना है, और इसे प्रॉपर तरीके से देखने के बाद, अपने वित्तीय सलाहकार से बात करने के बाद, आपको इसी सारे स्टॉक में इन्वेस्टमेंट्स करना है। तो गाइज ये जो टेक सॉल्यूशन है, ये इसने भी अभी एक अच्छा ब्रेकआउट दे के, ये इसने अच्छा एक ब्रेकआउट दिया है, और ब्रेकआउट दे के ये नेक्स्ट अपने जो उसका रेजिस्टेंस था वो भी उसने ब्रेक कर दिया है। और ये रेजिस्टेंस ब्रेक करके ये आगे की तरफ अब दौड़ लगा रहा है, और आईटी इंडस्ट्री में अच्छा भूमि है। तो 82 इसका नेक्स्ट टारगेट होगा, 82 इसका नेक्स्ट टारगेट होगा। तो गाइस जो, चलो हम चलते हैं फिर अपना जो होगा नेक्स्ट, जो भी कॉल है वो कॉल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट स्टॉक गाइस, नेक्स्ट स्टॉक जो है मेरा, वो नेक्स्ट स्टॉक है
वी आर एल लॉजिस्टिक, ये स्टॉक को मैंने मेरे प्रीमियर क्लाइंट को आई थिंक मुझे मैंने टू ये जो प्रीमियम क्लाइंट है मेरे उनको मैंने 214 के ऊपर मैंने इनको ये कॉल दिया था और मैंने कहा था कि 3 महीने में ये स्टॉक आपको 38 से 40% रिटर्न देगा और इसने 46% रिटर्न दिए ऑलमोस्ट 2 मंथ में। तो गाइज़ ये स्टॉक जो है वी आर एल लॉजिस्टिक, ये मैंने स्टॉक क्यों निकाला गाइज, अनलॉक थी में वी आर एल जो बसेस है अभी सारी बसेस उनकी चालू हो गई, मोर देन 600 उनकी खुद की फ्लीट है, 26 स्टेट में ये वी आर एल लॉजिस्टिक काम करता है और मुझे लगता है ये वी आर एल लॉजिस्टिक आपको आने वाले समय में देखेंगे तो इसका सबसे ज़्यादा बिजनेस जनरेट होने वाला है और जो अनलॉक थीम के अंदर ये वी आर एल लॉजिस्टिक मैंने निकाला है। 295 के ऊपर इसने अच्छा ब्रेकआउट दिया, ये राउंडिंग बॉटम पैटर्न जो है कंटिन्यूशन और मुझे लगता है इसका नेक्स्ट टारगेट हो सकता है 272 रुपीज़। अब ये काफ़ी लास्ट नवंबर से ये हायर बॉटम हायर टॉप बना के चल रहा है, यहाँ पे इसने कंटिन्यूशन बॉटम ये राउंडिंग बॉटम दिया और 272 टारगेट के लिए ये अभी 353 के टारगेट के करीब ये जा रहा है। इसका अभी करंट जो मार्केट प्राइस चल रहा है वो 296 चल रहा है CMP, 353 इसका नेक्स्ट टारगेट हो सकता है। तो नेक्स्ट स्टॉक की तरफ चलते हैं जो हमारा फोर्थ स्टॉक होगा, जो ये मेरा फोर्थ स्टॉक है गाइस ये है टेक महिंद्रा। जैसे मैंने कहा आईटी में बूमिंग चल रहा है, आईटी इंडस्ट्री काफ़ी बढ़िया काम कर रहा है और ये आईटी इंडस्ट्री के लिए मुझे लगता है टेक महिंद्रा उसी की इसमें काफ़ी बढ़िया स्टॉक है। 2021 की जो इनिशियली जो जान मंथ के उसने हाई थे 181, ये जो उसका हाई था ये अभी ये इसने ब्रेक कर दिया है और ये ब्रेक करने के बाद मुझे लगता है ये स्टॉक अभी 1150 इस टारगेट के लिए ये स्टॉक जा रहा है। और अगर आपको लगता है कि इस स्टॉक में एंट्री लेना है तो इसको आज मंडे को ही आप इसमें एंट्री लेना है आपको और मंडे को एंट्री करके, क्योंकि इसमें टारगेट थोड़ा कम है, 70-80 रुपीज़ का टारगेट है पर इट इज़ गुड 7-8% टारगेट रिटर्न आपको मिल सकता है। तो इस स्टॉक में 1150 के लिए आपको एंट्री लेना है। आईटी इंडस्ट्री काफ़ी बढ़िया बूमिंग कर रही है और टेक महिंद्रा ये स्टॉक काफ़ी बढ़िया अच्छे से चल रहा है। तो गाइस चलो हम नेक्स्ट स्टॉक की तरफ अपने चलते हैं, जो मैं अपना नेक्स्ट स्टॉक है और लास्ट स्टॉक है आज का, वो स्टॉक है डॉक्टर रेड्डी फार्मा इंडस्ट्रीज से। हाँ गाइस फार्मा इंडस्ट्री को कैसा भूल सकते हैं हम, क्योंकि फार्मा इंडस्ट्रीज में तो क्रांति चल रही है और फार्मा इंडस्ट्री मुझे लगता है आने वाले समय में काफ़ी बढ़िया रिटर्न दे सकता है। इसने भी डॉक्टर रेड्डी भी एक काफ़ी दिनों से एक रेजिस्टेंस से जुलझ रहा था, जो रेजिस्टेंस था उसका 5416 रुपीज़, 5400 जो उसका जो रेजिस्टेंस था काफ़ी दिनों से वही के ऊपर घूम रहा था, अभी इसने ब्रेकआउट दे के ये स्टॉक उसके ऊपर निकल गया है। 5416 के ऊपर उसने ब्रेकआउट दिया और 5453 अभी इसका CMP है। आने वाले समय में इसका जो टारगेट है वो है 5796, 200 रुपये, आप 200-250 रुपये तक 300 तक आपको यहाँ पे ये मुंह दे सकता है। और मुझे लगता है इस स्टॉक में भी आपको अगर आपने एक या दो भी शेयर इसके परचेस करके रख दिए या इसमें आप फ्यूचर में अगर परचेस करते हो और एक मंथ आराम से इसके ऊपर जुलाई मंथ के आप इन का कॉन्ट्रैक्ट लेके इसके ऊपर बैठ जाते हो तो ये आपको 5796 टारगेट्स इसका अचीव होगा। और मुझे लगता है गाइस ये अगर पांचों स्टॉक में आप इन्वेस्ट करते हो तो आपका अगले जुलाई मंथ का सेम कैपिटल से, नॉट जुलाई मंथ, सेम कैपिटल से एवरी मंथ आपको अच्छे रिटर्न मिलते जाएंगे 3-4000 और आपके घर के सारे यूटिलिटी बिल्स आप यहाँ पे दे सकते हो। ऐसे ही अच्छे स्टॉक मैं आपके लिए लेकर आऊँगा, इसी स्टॉक को आप इसी ऐसे ही अच्छे स्टॉक मल्टीबैगर स्टॉक आपके कुछ छोटे छोटे खर्चे होंगे उसके लिए कुछ मैं स्टॉक लेकर आऊँगा। कल मैं फिर से एक वीडियो बनाने वाला हूँ 5 स्टॉक के ऊपर जो ब्रेकआउट के कगार पे है। अगर ऐसे स्टॉक आपको लगता है आपके बकेट लिस्ट में होना चाहिए, आपको ये स्टॉक सारे पता होना चाहिए, उसके बाद आप इतने सलाहकार से बात करने के बाद आप इसको खरीद सकते हो तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बाजू में एक जो बेल आइकॉन है उसको प्रेस कर दीजिए, जब भी आपको मैं वीडियो डालूंगा तो आपको सबसे पहले वो वीडियो मिल सके। और गाइज ये जो स्टॉक्स होते हैं जब भी मैं बताता हूँ इसमें एंट्री तुरंत लेना रहता है क्योंकि उसके टारगेट भी बहुत करीब होते हैं। अगर आपको कुछ भी अगर कमेंट्स करना है, कोई स्टॉक के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप मुझे
बता सकते हो। मैंने लिंक दी है नीचे गाइज मेरी टेलीग्राम चैनल की, जहाँ पे मैं कुछ डेली अपडेट करता हूँ, कुछ स्टॉक के बारे में डेली अच्छी न्यूज़ डालता हूँ। आप वो मेरे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो। और अगर आपको लगता है कि आपका डीमैट अकाउंट नहीं है और एक अच्छा डीमैट अकाउंट आपको ट्रेडिंग के लिए चाहिए, तो एंजल ब्रोकिंग के साथ हम जुड़े हैं। मैंने डिस्क्रिप्शन पे एक लिंक दी है, आप वहाँ से लिंक पे क्लिक करने के बाद डीमैट अकाउंट विदिन 15 मिनट ऑनलाइन ही ओपन कर सकते हो। तो कैसा लगा मेरी वीडियो गाइस, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। लाइक कीजिए चैनल को, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, वीडियो को लाइक कीजिए गाइस। थैंक यू सो मच फॉर योर पेशेंस एंड आई ऑलवेज लाइक टू शेयर विथ यू वेरी गुड स्टॉक्स। सो थैंक्स फॉर इनक्री कैन मोटिवेटिंग मी ऑलवेज, इंस्पायर मी ऑलवेज। थैंक यू सो मच।